मेरे हाथ में स्क्रीन एंड्रॉयड वाली जो कि इसके अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। एक्टिवेट हो चुका है, देखो फ़ोन से कनेक्टेड है भैया के। अब इसमें आप कुछ भी ऑन करना चाहो, ये इसमें हो गया फ्रंट कैमरा एक्टिवेट और ये माइक भी सब कुछ इसके अंदर ऑटो रिकॉर्डेड हो जाएगा आपका। ये इसमें से हटा दी गई लेमिनेशन, अब कैमरे की क्लियरिटी आएगी। वेलकम बैक, मैं हूं आपका अपना राजभाई राज। आपके सामने डोमिनर 400 मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा इसके अंदर बिल्कुल ही अलग। वैसे तो बाइक में मॉडिफिकेशन बहुत सारी हुई भी है, बट मैं अलग इसलिए कह रहा हूं, ये देख रहे हैं मेरे हाथ में स्क्रीन एंड्रॉयड वाली जो कि इसके अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी है, और ये अपने पास अवेलेबल है। ये देखिए, इसे ओपन करते हैं पहले। ये हो गया ओपन, एंड ये रही इसकी स्क्रीन जो कि फिट होने वाली है कुछ हैंडल पर। स्क्रीन है, कपलर कुछ इस टाइप के होते हैं। साथ में इसके अंदर मिलते हैं आपको कैमरास, टू कैमरास, एक फ्रंट और एक रियर। ये देखिए, ये होता है कुछ इस तरीके से कैमरास। और कैमरे की क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, हमने लगाया था लास्ट टाइम, एक मैं वीडियो शूट नहीं करा था क्योंकि मेरे को जल्दी थी, मैं चला गया था रात को, ज़्यादा लेट हो गया था तो वीडियो पूरा शूट नहीं हो पाया उसका। तो ये कैमरास होते हैं जिसकी आपको मैं विजिबिलिटी दिखाऊँगा लगने के बाद कि किस तरीके की इसके आने वाली है। एक ये रहा कैमरा और एक कैमरा आपका ये रहा, दो कैमरे मिलते हैं इसके अंदर, फ्रंट और बैक दोनों कैमरे आपके इसके अंदर इंस्टॉल होंगे। और आपको आगे का और पीछे का पूरा व्यू इसके अंदर नज़र आने वाला है। और आप चाहो तो GPS वगैरह भी इसके अंदर ऑन कर सकते हो इजीली। तो आपने ये सब कुछ देख लिया, पूरा बॉक्स इसके अंदर फिटमेंट वगैरह सारी आई हुई है। आप पहले करते हैं इसके अंदर इंस्टॉल, फिर आपको दिखाते हैं इसके अंदर कि क्या क्या इसके अंदर आपको फंक्शन मिलने वाले हैं। तो वीडियो बने रहने के चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजभाई SKD तो जैसे कि मैंने दिखाया था इसके अंदर आपको स्टार्टिंग के अंदर कि हम इसमें लगा रहे हैं कार प्ले वाली डिस्प्ले, जो कि मैंने दिखाया था आपको बॉक्स ओपन करने के बाद भी कि किस तरीके की दिखती है। और अब लगने के बाद कुछ इस तरीके से आइए दिखाते हैं आपको किस तरीके की दिखती है लगने के बाद, और उसमें क्या क्या फीचर्स के एक्टिवेट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको देखने में डिस्प्ले कुछ इस तरीके से, ऑफ़ करेंगे तो ये आपका बंद दिखेगा, जब ऑन करेंगे फिर इसके फीचर्स ऑन होंगे लाइक दिस। देखिए, ये आपकी गाड़ी राइड हो रही है H2R, देख रहे हो H2R डोमिनर को H2R बना दिया इसने। और भाई पासवर्ड डालो, ये आपके हो गए ऑन। और इसके बाद कार प्ले आपका एक्टिवेट हो चुका है, देखो फ़ोन से कनेक्टेड है भैया के। अब इसमें आप कुछ भी ऑन करना चाहो तो इजीली ऑन कर सकते हो। ये आपका हो गया GPS मैप, इसे भी आप ऑपरेट कर सकते हो। और इसके बाद करते हैं इसको बैक, ये करना कैसे होगा, ये म्यूज़िक ऑन करने के लिए हो गया। ये देखिए, ये आपका म्यूज़िक ऑन हो चुका है जो कि आपके हेलमेट से कनेक्टेड होता है। इसमें आप चलते हुए गाने भी सुन सकते हो और इसमें वीडियो वगैरह भी चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसे करते हैं बैक और इसको दिखाते हैं आप कैमरे, इसके अंदर कैमरे भी हैं। ये देखिए, ये इसका कैमरा ऑन हो चुका है जो कि फ़िलहाल ये रियर कैमरा एक्टिवेट हुआ है इसका, देख सकते हैं। ये देखो, पीछे बाइक दिख रही है GS 310, ये देखियो ये GS 310 नज़र आ रही है इसके अंदर पीछे। और अब करते हैं इसको फ्रंट में ऐसे, ये देखिए, ये इसमें हो गया फ्रंट कैमरा एक्टिवेट और ये माइक भी सब कुछ इसके अंदर ऑटो रिकॉर्डेड हो जाएगा आपका, क्योंकि ये आपके फ़ोन से कनेक्ट है और ये फ़ोन की मेमोरी बढ़ दी है इससे आपकी, आपका कुछ नहीं जाएगा, फ़ोन की मेमोरी आएगी इसके अंदर जितनी भी आपकी रिकॉर्ड होगा। आप चलते हुए कुछ भी, आप आगे का पीछे का सारा आपका रिकॉर्ड इसके अंदर होने वाला है। और कैमरा दिखाया था हम किस तरीके का कैमरा होता है, आइए कुछ कैमरा है अब दिखाता हूँ कैमरा इसके अंदर। फ्रंट वाला जो कैमरा है वो कुछ इस तरीके से दिखता है और यहाँ पर इसका इंस्टॉल कर दिया गया है। और इस पर ना लेमिनेशन हटाता हूँ तभी इसमें ढंग से नज़र, तभी कौन इतना अच्छा नज़र आग नहीं रहता। ये देखिए, ये इस पर से हटा दी गई लेमिनेशन, अब कैमरे की क्लियरिटी आएगी। अब तक इसलिए कैमरा बहुत अच्छा दिखेगा, मैं वो दिखाऊंगा आपको बाद में कैमरा दोबारा से, पहले आप ये देख लो। ये इसका कुछ इस तरीके से कैमरा और इसके अंदर इजीली फिट कर दिया गया, और मतलब देखने के बाद तो दिखा रहा हूँ तो पता लग रहा है, वैसे पता भी नहीं लग रहा कैमरा इसमें लगा भी नहीं लगा। और इसी तरीके से बैक साइड आइए, इधर भी वही लग रही होगी लेमिनेशन जो मैंने बताया था आपको होगी फ्रंट के अंदर। ये देखिए, इसमें भी लग रही है लेमिनेशन, ये लो जी ये हट गई आपकी लेमिनेशन। ये देखो, इसकी वजह से जो व्यू था ना वो पूरा नज़र नहीं आ रहा था, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल हो गया है कैमरा। और हम ना एक बार दोबारा से इसकी चेक करते हैं कि इसकी क्या क्लियरिटी है। ये देखो, देखो भाई साहब ज़बरदस्त, देख रहे हो क्या ज़बरदस्त इसके अंदर व्यू आ रहा है, पूरा का पूरा कैमरा मतलब पूरी शॉप को कवर अप कर रहा है, जो भी सामने खड़े हैं सब वो दिख रहा है। बैक साइड दिखाएंगे ना,
ये देखिए ये बैक साइड है पूरा का पूरा, मतलब रोड पे जब निकलोगे ना तो आप आगे का पीछे का आपको सब जैसा चाहो वैसा आपको एज इट इज़ इसके अंदर नज़र आने वाला है, जो कि आपकी ये एंड्रॉयड डिस्प्ले है। करते हैं इसको बैक, ये लो इसको बैक हो गया। आओ अब दिखाता हूँ इसके अंदर बाकी मॉडिफिकेशन। और एक बात और बता दूँ आपको कि जब भी आप इस तरीके का काम करवाते हो ना तो प्रोफेशनल से कराओगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है उससे, क्योंकि ना एक तो आपकी वायरिंग से छेड़छाड़ नहीं होती किसी भी तरीके की, और दूसरा ये होता है कि आपकी जो बाइक है जैसे आपकी खुलेगी इजीली आपकी वैसे ही फिट हो जाती है। जैसे कि मैंने दिखाया इसके टैंक वैंक सब खोल रखा था, अब पूरा फिटमेंट है, कोई वायरिंग से नज़र आ नहीं रही है किसी तरीके से, और अंदर भी जो काम होता है वो भी प्रॉपर तरीके से होता है, टाई बेल्ट वगैरह सब लगा के, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे तार खींचे छोड़ दिया, तो वो काम हम लोग नहीं करते हैं। तो प्रोफेशनल काम हमेशा प्रोफेशनल से होता है, कोई अनप्रोफेशनल कराओगे तो आपकी बाइक की बैंड बच जाएगी, साथ में जो सामान लगेगा वो भी दिखेगा काफ़ी ज़्यादा वियर्ड। तो उससे बचने के लिए आपको करना क्या ये आपको पता ही है, मैं ये नहीं कहता मेरे पास आइए, बट एक्सपीरियंस बचिए जहाँ भी जाना आपको। अब इसके अंदर दिखाता हूँ, देख सकते हैं इसके अंदर फॉक्स राइडर लगा दिए गए जिससे आपके शॉकर्स वगैरह पूरी तरह सेफ हो जाते हैं आपके। ब्लैक का है तो ब्लैक के अंदर ब्लैक ही लगा दिए, दोनों तरफ मिलेंगे आपको। साथ में इसमें देखने को मिलेगी जो कि लगा दी गई विद हार्नेस, ये फॉग लैंप है वाई वाले जो कि आपको मिलते हैं विद हार्नेस। इसका मैं व्यू चेकआउट कराता हूँ किस तरीके का आता है, और हार्नेस का जो बेनिफिट है ना वो आपको मिलता है ये कि आपकी बैटरी होती है पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि उसके अंदर रिले वगैरह सब लगी होती है, और जो इसका स्विच होता है वो होता है इसका खुद का स्विच, उसमें ड्यूल स्विच होते हैं इसके अंदर, दिखाइए इधर आइए, ये देखिए ड्यूल स्विच होते हैं इसके अंदर, एक आपका राइट जो ऑन करने के लिए और पीछे वाला होता है वो चेंजिंग के लिए होता है। ये देखिए अब मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है, ये आपका ऑन हो गया, ये आपका वाइट हो गया, ये आपका येलो वाइट, और इसके बाद बैक पीछे वाला लगाएंगे तो ये आपका ब्लिंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये हर पैटर्न पे है। ये देखो जरूरी है कि मैं आप कोई सा भी लेंगे सबके अंदर ही आपको ये मिलेगी ब्लिंकिंग, और ऑफ़ करने के लिए सिंपली इसको पुश करेंगे ये हो जाएगी आपकी ऑफ। तो ये थे इसकी फीचर हार्नेस के जो कि इसके अंदर दिखाया मैंने आपको, और ये ज़रूरी नहीं कि इस मॉडल के अंदर आप किसी भी HGG के मॉडल के अंदर हार्नेस वाली फॉग लैंप ले सकते हो, जैसे कि मेरी हर वीडियो के अंदर आपको कोई ना कोई डिज़ाइन मिलता है देखने को। तो ये इसके अंदर लगी है वाई वाली, और वो विद क्लैंप फिटिंग इसकी की गई है। और अब दिखाऊंगा बैक साइड में, तो आइए बैक साइड में लगा देगा इसके अंदर टॉप बॉक्स जो कि आपको मिलता है SMK का ओरिजिनल है जो कि लगा देगा। इसकी प्लेट खुद की होती है, और इसका जो टॉप रैक है डोमिनर न्यू वाली का इसके अंदर ऑलरेडी इसके अंदर लगा होता है, तो सिंपली आपका इजीली फिटिंग हो जाता है। और स्पेस दिखा देता हूँ कितना होता है इसके अंदर, बहुत सारा, ये देखो अब इसके अंदर आपको स्पेस देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। इसके अंदर आपका कोई भी हेलमेट, कोई भी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, बट हेलमेट इसके अंदर ईजिली आ जाता है आपका, और भी कुछ कैरी करना हो आपको बॉटल्स वगैरह लंच वगैरह या कुछ भी तो वो भी इसके अंदर ईजिली रख जाता है। और साथ में अगर राइड पे जाना हो तो फिर तो भैया मज़ा आया था, क्योंकि फिर कुछ भी रख सकते हो इसके अंदर, आपकी जर्नी हो जाती है बिल्कुल ही सेफ, क्योंकि सामान बहुत सारा इसके अंदर आपका आ जाता है। और साथ में आप दिखाऊंगा इसके अंदर इंडिकेटर हैजार्ड जो कि ये भी इसके अंदर लगाया गया है। चाबी ऑन करते हैं और चलाते हैं हैजार्ड, अंदर लगा हुआ हैजार्ड जो कि आपको देखने मिलता है कुछ इस तरीके से। इसके अलग अलग पैटर्न्स हो, जितनी बार आप करेंगे इसका उतनी बार ही ऑटोमेटिक हो जाएंगे इसका चेंज। तो ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना कमेंट में, कि आपको ये स्क्रीन वगैरह उसको चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, प्राइस वगैरह जानना हो तो आपको पता ही है करना क्या है, या तो इंस्टा पे DM करो, यूट्यूब पे कमेंट करो और व्हाट्सअप करो, मिलेगा आपको उसी पर ही। और आप मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको काम कैसा लगा, तो आइए भैया। सर कैसे हैं आप, और आप ये बताइए अभी आपने बहुत तसल्ली से काम करा, आपको कैसा लगा? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक डिस्प्ले जो एक चाहिए टूरिंग बाइक के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डोमिनर एक टूरिंग बाइक है, तो इसके लिए एक डिस्प्ले चाहिए जिसपे मैप सब कुछ आप देख सकते हो, कहीं पे जाना हो, कहीं पे आप टूरिंग पे आप कहीं फंस जाओ, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। काम जो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है, मेरी आँखों के सामने सब कुछ हुआ है, कोई वायर कटिंग नहीं, जो भी सब कुछ है सब कपलिंग टू कपलिंग हुआ है, काम तो बहुत बढ़िया हुआ है बस। तो लाइक आप जैसे आए तो आपको किसी रिकमेंड करा या डायरेक्ट आप ऐसे ही आ गए वीडियोस में? तो ऐसे आ गया था, मतलब यूट्यूब में भी देखे थे वीडियोस मैंने, और ऐसे आ गया था, मैं सोच रहा था कि कहीं मिल जाए, कहीं किसी पे के पास अवेलेबल था नहीं, तो फाइनली मुझे मिल गया। तो फाइनली आप सेटिस्फाइड हैं? या बहुत सेटिस्फाइड। और रिकमेंड करेंगे कोई आना चाहे करो दिल्ली से, दिल्ली के बाहर से कोई भी हमारे पास? डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आपके पास ही आए, जो भी फिटिंग विटिंग जो भी कराना है सब जेन्युइन काम हो रहा है, इनके पास जो स्किल्ड वर्कर्स है बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, मार्केट में ना देखो वैसे तो मैं नेगेटिविटी फैलाता नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट में नेगेटिव फैलाने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि उनका हर वीडियो में होता है कि असली नकली। बस मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपने जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जो आपने हमारा एक्सपीरियंस देखा, उससे आपको क्या लगता है, क्या फील होता है कि मतलब
वी आर अ फेक पर्सन और अ रियल पर्सन? नहीं नहीं, बहुत जेन्युइन पर्सन है, माहौल बहुत ही फ्रेंडली है, सब मतलब हंसी मजाक चलते रहते हैं, काम के साथ साथ आपका टाइम पास भी हो रहा है, काम भी चल रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग फेकनेस फैला रहे हैं। मेरे को फेकनेस फैलानी नहीं आती है, सबको पता हु इज अ रियल हु इज अ फेक, तो उसमें कोई बोलने वाली बात है नहीं है। और अब आपको करना क्या, एक तो ना लोकेशन का बहुत बड़ा पंगा है, गूगल पे जब भी जाते हो गूगल पे आप डालते हो कुछ, पहुंचते हो कहीं पर तो गूगल पे डालना छोड़ दो, क्योंकि हम गूगल विश्वास फिलहाल नहीं कर रहे हैं। आप ये देख लें, जब भी आप हनुमान जी की मूर्ति देख कर आए, जो कि मिलती है आपको जनरल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट गोल चक्कर पर, बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति है, जैसे उस मूर्ति से अंदर आओगे आप मार्केट के लिए, तो अंदर आने के बाद आपको देखनी है एक और हनुमान जी की मूर्ति, जो कि मिलती है आपको मेन रोड पर ही शॉप पर, जो कि मिलती है मेरे बोर्ड पर, तो आपको वो देखना है हनुमान जी की मूर्ति और वो देखना है दूसरी, तो दोनों मूर्तियाँ आपने देख ली, समझ लो आप राइट लोकेशन पर पहुंच चुके हो राजू भाई की शॉप पर, जो कि आपका अपने राजू भाई की शॉप है। जब भी काम कराना, और देखो एक्सपीरियंस ना हमेशा बोलता है, मैं हर वीडियो में ये एक्सपीरियंस की बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि 25 साल से हम काम कर रहे हैं इस लाइन के अंदर, और 3 ईयर हो गए मुझे करोलबाग के अंदर, जो कि मेरी शॉप है SKD के नाम से, तो ये शॉप मैं ही ऑन करता हूँ, और पहले मैंने किसी को हायर कर रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और अब ध्यान रखें, आपको चैनल को लाइक से सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, राजू भाई SKD को, जो कि मिलता है आपको यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, जय श्री राम, जय जय, बाय।